तो अन्नु भाई की आंखें जो है वो ठीक से नहीं खुल रही, आज काफी दर्द कर रही है। तो आइस ले आओ, आइस। हाँ अभी आराम। अरे हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक और बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल लव राइडर नंदू में। तो फिलहाल सुबह के बज रहे हैं 8 और नाश्ता पानी करके हम निकल रहे हैं शॉप की ओर। मैं हूँ अभी नौढ़िया में और बाइक मेरी यहीं पे, लेकिन बाइक लेके मैं जा नहीं रहा क्योंकि इसमें पेट्रोल है नहीं, यानी कि इसमें तेल ख़त्म है। हम पैदल यात्रा पे हैं 2 दिन से। अरे गाइस आइए दिखाते हैं आपको आज का मौसम। जुबली मुझे भेजने के बाद जा रही है अब घर। मौसम बहुत ही अच्छा है आज का भी। अरे गाइस सामने जो है पक्षियां उड़ रही। ये पता नहीं कौन सी पक्षियां हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। चले गाइस मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा साफ है आज। तो आज आपको ठीक मेरे पीछे दिखाई दे रहे होंगे रेत के कट्टे, इसमें इन कट्टों में रेता है और ये रेता किसी और का नहीं बाकी भतपो वालों का है। और जो रोड यहाँ तक पहुँची हुई है यहाँ आप देख सकते हैं, तो इसका ये फ़ायदा हुआ कि भतपो वालों का जो सामान है मकान वगैरह बनाने का वो भी यहाँ पर उतर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है फ़ायदा मिल रहा है हर किसी को, चाहे वो कहीं के भी हो। तो ऐसा नहीं है कि मतलब रोड जो है हमारे काम आएगी, हमारे गांव के काम आएगी, हर किसी के काम में जो है ये रोड आएगी और आ भी रही है। देखिएगा ये सारा सामान जो है यहाँ पर ये रहता है, यहाँ पे सीमेंट उतरा था और ये सरिया है। तो यहाँ से जो है रोड जा नहीं पाई भतपो क्योंकि कई दिक्कतें थी, वो मैंने आपको पहले भी बताई, और इस वजह से जो है रोड वहाँ पर गई नहीं। अगर रोड वहाँ पर जाती तो शायद भतपो के जो वहाँ पर आपको सफ़ेद सा दिख रहा है टंकी, ये मंदिर, ये मंदिर है, मंदिर के पास तक रोड जाती तो काफ़ी जो है मदद हो जाती। क्योंकि यहाँ से जो है एक खच्चर का किराया है 120 रुपये, तो ये मान के चलो उस ढैया से और भतपो तक का किराया कम से कम 30 या 40 रहेगा बस, तो उनके 80 या 100 रुपये आराम से वहाँ पे बज रहे थे, जो कि अभी नहीं बज रहे। लेकिन यहाँ से भी बहुत अच्छा फ़ायदा है क्योंकि रास्ता जो है एकदम सीधा है और घोड़े और जो उनके साथ आदमी हैं उनको चलने में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि बिल्कुल सीधा रास्ता है। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि उन्हें बहुत चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी या बहुत ज़्यादा नीचे उतरना पड़ेगा, तो इस वजह से जो है उनका सामान जो है यहाँ उतारा गया। तो आज हमारे गांव के जंगल में जो ये आपको यहाँ पे बिल्कुल सूखे हुए पेड़ दिखाई दे रहे होंगे, ये जो ये वाले पेड़ हैं ये हैं रामपुरी बांझ। तो शायद हमारे दादाजी या उनसे भी पहले के लोगों ने यहाँ पर इसको लगाया हुआ है, इसको बांझ बोल के लगाया था, लेकिन नहीं ये रामपुरी बांझ नहीं हुआ। वैसे जानवरों के चारे के काम तो बहुत ज़्यादा आता है, बाकी आज तक तो मैंने देखा नहीं कि लकड़ी के उपयोग में किसी इसका कुछ बनाया जाए। कुछ टाइम बाद जो ये बांझ के पेड़ हैं इन सब पे आ जाएंगे नए नए पत्ते, और उसके बाद जो है जंगलों में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है, उस टाइम को हम मोहल्लार कहते हैं। देखिएगा ये सारा फिर हरा भरा बहुत ही प्यारा जो है नज़ारा होता है फिर जंगलों का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आजकल हम पैदल यात्रा पे हैं, तो अभी हम ढोंडियाल बाकी के एकदम टॉप पे हैं। तो यहाँ से खड़ंजा मार्ग जाता है गांव के बीच तक, उसके बाद फिर सीसी मार्ग आता है और यहाँ पे इनके नए पानी की टंकी का निर्माण हुआ है। काफ़ी ज़्यादा खुश है यहाँ के लोग। अब क्या घास दादी का एक ही पूल बस, मतलब छुट्टी दिन में काम करते लाई दादी प्रणाम। तो गाइस फिलहाल हम शॉप पे और यहाँ ऊपर कमरे में है अन्नू भाई। तो अन्नू भाई की आंखें जो है वो ठीक से नहीं खुल रही, आज काफ़ी दर्द कर रही है। तो मैं आपको बता दूं कि जो वेल्डिंग होती है कभी भी किसी भी जगह पे अगर वेल्डिंग हो रही है तो वो चिंगारियाँ जो निकलती हैं उसको मत देखें, क्योंकि उसकी वजह से जो है अन्नू भाई ये देख सकते हैं आप
कल रात से परेशान है। अभी गीला कपड़ा जो है इनके आंखों पे लगाएंगे हम आधे घंटे के लिए। आई ड्रॉप्स वगैरह हमने बहुत कुछ डाल दिया है। ये कह रहे हैं मुझे कम दिखाई दे रहा है, बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। अभी आराम है रे। अभी इनकी आंखें जो है ठीक से खुल भी नहीं रही है। और अभी एक ठंडे पानी का जो कपड़ा है, सूती वाला कपड़ा, हमने अनु भाई को दिया है और कहा है इसको आधे घंटे तक ऐसे ही रहने दीजिए, शायद आपको आराम मिले। तो बच्चे जो हैं हर संडे जा रहे हैं मैच खेलने। देखिए तो हमारी बचपन की यादें इन्होंने बहुत ही ताज़ा कर रखी हैं। आजकल ये जा रहे हैं वहाँ, वहाँ से धुआं निकल रहा है ठीक सारसों। तो सारसों में तो सारे खेत बो रखे हैं, तो ये मुझे लगता है या तो स्कूल के फील्ड में जाएंगे या सारसों जहाँ उसके गांव के उधर जाएंगे जहाँ अभी कुछ खेतों में बो नहीं रखा है। तो फिलहाल अनु भाई के लिए बनाते हैं मैगी और चाय और इन्हें कराते हैं नाश्ता। तब तक ये जो है आराम से कर रहे हैं यहाँ पे, धूप सेक रहे हैं और बुकिंग में भी जाना है। बुकिंग में तो आज की इनके सारे बुकिंग कैंसिल है फिलहाल। अनु भाई की मदद कर रहे हैं, देखिए कपड़ा फिर से गीला कर दिया है। तो विवेक भाई भी काफ़ी अच्छे इंसान हैं, जब जब इनसे होता है हमेशा जो है मदद करते हैं। आइस ले आओ आइस। हाँ मंगी जो तो गाइस दिन भर लाइट नहीं रहने के कारण जो है मैं वीडियो नहीं बना पाया पूरी। और फिलहाल मैं सराय खेत में हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्य जो है मेरे पास आया हुआ है और लाइट जो है अभी अभी यहाँ पे आई है। शाम का मौसम दिखाते हैं अभी आपको। वहाँ देखिए गाइस उस साइड जो है धूप की अभी रोशनी है और इस तरफ पूरा जो है अंधेरा छा चुका है। तो चलिए गाइस टाटा बाय बाय। अनु भाई की आंखें जो है अभी ठीक हैं क्योंकि हमने आई ड्रॉप भी उनके लिए मंगाया था, वो उनकी आंखों में डाला और गीला कपड़ा जो है कम से कम आधे घंटे के लिए उन्होंने लगाया आंखों पे। तो अभी वो स्वस्थ हैं और बहुत ज़्यादा जो पहले से जो उनको कल रात को दर्द हुआ था आंखों में उससे बहुत ज़्यादा उनको राहत मिली है अभी।